जी द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल है, रादर लाइक बैक्टीरिया, मतलब के बैक्टीरिया की तरह है, ठीक है। बैक्टीरिया आपने पढ़ा था, तो बैक्टीरिया क्या था, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो ये भी क्या है, बैक्टीरिया की तरह यूनिसेलुलर है। अगर प्रोटोजोआ आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो इसको भी मॉइस्ट जो है, मॉइस्ट मींस थोड़ा सा नमी वाला टेम्परेचर चाहिए होता है। जब ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये वहाँ पर रहना शुरू हो जाता है और ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डायसेंट्री की डिज़ीज़ है ये भी आपकी प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और आपका डायरिया मींस कि आपको जो हैज़ा होता है वो भी आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जब ये इंसानी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, वहाँ पे लिव एंड ग्रो स्टार्ट इसका हो जाता है, तो देन ये आपके अंदर जर्म्स पैदा कर देता है जो आपको डिजीज्ड कर देते हैं, जो आपको बीमार करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं, छोटे छोटे जानदार जिनको आप आम नेकेड आई से ना देख पाएँ, ठीक है, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड डिजीज अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं अभी तक जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया में, वायरसेस, फंजाई वगैरह में, जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से आती हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या जो है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना हमने इस चीज़ को है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपकी बॉडी के अंदर कब पैदा होते हैं। एक तो तब जब आप अपनी डाइट को लो करते हैं, मींस कि आप अच्छा फूड नहीं खा रहे होते, आपकी फूड जो है वो मिनरल्स वाली नहीं होती, ठीक है, गज़ाइयत उसमें बहुत कम होती है, और आप विटामिन्स वाली चीज़ों को नहीं खा रहे होते, उस टाइम पे आपके अंदर डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं वो पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ मीन कि आपका जो इम्यूनिटी है, आपके अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि आप डेफिशेंट हो जाते हो, आप डिजीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते, और वो जो डिजीज़ हैं वो आप पे अटैक करती हैं, आप पे इफ़ेक्ट करती हैं, आपके लिवर पे, हार्ट पे, किडनीज़ वगैरह पे, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़, फैटल मीन्स मोहलिक, जो जानलेवा भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो नेक्स्ट अपटिल स्टेज तक पहुँच जाती हैं, कि जब इंसान जो है उसकी टिल डेथ तक उसको ले जाती हैं, इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से फैलने वाली बीमारियाँ, ये हमारे इन जगहों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। इनके अंदर इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा गया है। इनको नॉन कम्युनिकेबल इसलिए कहा गया कि जब ये वाली डिजीज़ हमें होती हैं तो हम किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और अगर हम किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं तो ये हमारे बोलने से, हमारी खांसी से, हमारी स्नीजिंग से दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल कहा गया है कि हमें दूसरों के साथ इतना ज़्यादा रिलेशन में या कम्युनिकेशन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये इन डिजीज़ की, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, इनसे हम इस तरह से बच सकते हैं कि हम इन चीज़ों का प्रॉपर यूज़